श्री भगवानदास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग BSc पार्ट सेकंड में आपका जो बोटनी का पेपर है, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने ट्रांसपायरेशन, गटेशन और इसी के अंदर आप लोगों ने देखा है स्टोमेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर उनकी कैसी होती है, टाइप्स कैसे होते हैं, या स्टोमेटल मूवमेंट जो है वो किस तरह से आप लोगों को देखने को मिलती है, ये सारी बातें हम लोगों ने जिक्र की है। आगे आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग कि आपका जो नेक्स्ट जो सेगमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लांट फिजियोलॉजी का, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन या आप इसे कहें खनिज पोषण, क्या कहेंगे, खनिज पोषण। अब ये खनिज पोषण क्या होता है, क्या कुछ आप लोगों को इसके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, तो वो सारा जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग खनिज पोषण किसे कहेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कई पदार्थ और तत्वों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, बाह्य वातावरण से ग्रहण करने का काम करते हैं, और इनको ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। सिंपली आप लोगों ने क्या कहा है कि पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए बाह्य वातावरण से अनेक पदार्थों और तत्वों को ग्रहण करते हैं, इनके ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। आप लोग देखेंगे कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें या पोषण की बात करें तो आपको मोस्टली दो प्रकार के प्लांट देखने को मिलते हैं, कौन से, हेटरोट्रॉफिक, और एक आपको देखने को मिलेगा ऑटोट्रॉफिक प्लांट। यानी कि एक तो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक विषम पोषी पादप, और एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक जिसे हम लोग बोलते हैं स्वयं पोषी पादप। कैसे डिफाइन करेंगे, आप लोग देखेंगे कि हेटरोट्रॉफिक प्लांट, ये जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट क्या करते हैं कि बाह्य वातावरण से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट को बाह्य वातावरण से ग्रहण किया जाता है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक नेचर के प्लांट पोषण के आधार पर। वहीं आप लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक की हम लोग बात करें तो ये प्लांट क्या होते हैं, केवल इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं या इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है उनको बाह्य वातावरण से ग्रहण करते हैं, और इसके बाद में ये क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर ये क्या कर लेते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है या जो आपके सब्सटेंस है उनका निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट। सिंपली ध्यान में रह जाएगा आपको कि मिनरल न्यूट्रिशन किसे कह रहे हैं। आपने कहा पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए बाह्य वातावरण से अनेक तत्व और पदार्थों को ग्रहण करते हैं, इनका जो ग्रहण करने का जो प्रवृत्ति होती है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन के नाम से हम लोग इसे जान रहे हैं। और न्यूट्रिशन के आधार पर आपने कहा कि प्लांट दो प्रकार के हैं, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक ऐसे प्लांट जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस को बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफिक प्लांट ऐसे प्लांट है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बाह्य वातावरण से लेते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाने का काम करते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप लोग देखेंगे कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इन सब के अलावा जितने भी जो खनिज तत्व होते हैं वो आपको मृदा के अंदर या सोइल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि ये तो सारे के सारे क्या भाई आप लोगों को पता है, कार्बन जो है
वो CO2 के रूप में प्राप्त की जाती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो किस रूप में प्राप्त होगा आप लोगों का, आप लोगों को पता है कि वाटर जो है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त की जाती है। तो इनको छोड़कर जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो सारे के सारे प्लांट को मृदा से प्राप्त होते हैं, मृदा से ग्रहण किए जाते हैं। और मृदा में या सोइल के अंदर ये जो घटक पाए जा रहे हैं वो किस रूप में होते हैं, खनिजों के रूप में होते हैं। इस कारण से हम लोग इसे क्या कहते हैं, खनिज तत्व है, मिनरल एलिमेंट्स के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। और इन मिनरल एलिमेंट को ग्रहण करना वो क्या कहला रहा है आपका, मिनरल न्यूट्रिशन जो है उसके नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपने देखा कि खनिजों को मृदा से ग्रहण कर लिया, मृदा के अंदर पाए जा रहे हैं। अब प्लांट के अंदर खनिज तत्व उपस्थित है या नहीं, या उस खनिज तत्व की कमी है या अधिकता है, ये सारी हमको जानकारियां प्राप्त करनी है। तो इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ता है, जो पादप की जो राख होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट आस, या हिंदी में क्या बोलेंगे, पादप भस्म या राख। किसी भी खनिज तत्व की उपस्थिति, उसकी कमी, उसकी अधिकता, इसका आपको नॉलेज लेना है तो आपको क्या चाहिए, प्लांट आस चाहिए, पादप भस्म या पादप जो राख है वो चाहिए। उसका एनालिसिस करेंगे हम, और उसकी एनालिसिस करने के बाद में आपको पता चलेगा कि खनिज तत्व की प्रेजेंस थी, कमी थी, या उसकी अधिकता आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने देखा है कि प्लांट के अंदर 70-95% क्या पाया जाता है, वाटर जो है वो पाया जाता है। ये तो इतनी मात्रा में पौधे के अंदर आपको जल जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि 5-30% भाग जो है प्लांट का वो क्या है, उसका ड्राई मैटर है। 5-30% भाग जो है प्लांट का वो ड्राई मैटर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और जब इस ड्राई मैटर को जलाने का काम किया जाता है तो आप लोग देखेंगे कि आपको 4% क्या प्राप्त हो रही है, प्लांट आस, या आप लोग क्या कह रहे हैं, पादप भस्म जो है वो प्राप्त हो रही है। कितनी, 4%। क्यों, क्योंकि बाकी की आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर कुछ गैसेज वगैरह होती है जो कि वातावरण के अंदर रिलीज हो जाती है। अब ये जो प्लांट आस आप लोगों को मिली है इसकी आप एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इस एनालिसिस में आपको दो प्रकार के जो एलिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे उसकी हम लोग बात करते हैं। अब देखिएगा, आपने पादप भस्म का एनालिसिस किया तो उसके अंदर आपको दो प्रकार के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन से, आप लोग कहेंगे, एक तो क्या है आपका इसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व, और एक आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स, अनावश्यक तत्व। अब ये आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं, नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट की लाइफ साइकिल को पूरा करे, प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स या आवश्यक तत्व के रूप में जानते हैं। याद रखना, आपको पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी है और पौधे का जीवन चक्र पूरा करने के लिए जरूरी होता है। और मोस्टली आपको ये जो होते हैं 1 ppm से ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। फिर आप कहेंगे नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि पादप की जीवन चक्र को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन उसकी वृद्धि के लिए थोड़े से कुछ आपको हेल्पफुल देखने को मिलते हैं, तो ऐसे एलिमेंट को आप लोग क्या करें, नॉन इसेंशियल एलिमेंट की श्रेणी के अंदर आप लोग इसे शामिल करते हैं। अगर हम बात करें इसेंशियल एलिमेंट की तो आप लोग देखेंगे कि ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं आप लोगों के,
ये आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। कौन से आप लोग देखेंगे, एक तो क्या होता है मैक्रो एलिमेंट्स, एक क्या होता है माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट है, इनका दूसरा नाम और है, इसे क्या कहा जाता है मेजर एलिमेंट्स, और माइक्रो एलिमेंट्स है इन्हें क्या कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट्स, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। एसेंशियल एलिमेंट्स को आप लोग कह रहे हैं। अब मैक्रो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, पौधे के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, माइक्रो कम जरूरी है, कम मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग बात करें कि ये आपके जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये कितने हो गए, टोटल कितने पाए जाते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, 10 की संख्या में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन, ये क्या हैं आपके मैक्रो एलिमेंट्स की कैटेगरी में हैं या मेजर एलिमेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं। वहीं आप लोग बात करें माइक्रो एलिमेंट्स की, इनकी संख्या टोटल आपको 6 देखने को मिलती है। कौन कौन से हैं, बोरोन है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। तो ये टोटल संख्या में आप लोगों को कितने देखने को मिलते हैं, 6। और अगर हम बात करें टोटल इसेंशियल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 और 6 कितने हो गए, 16 प्रकार के इसेंशियल एलिमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा कैटेगराइजेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसेंशियल एलिमेंट्स 1 ppm से ज़्यादा प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पादप की वृद्धि और उसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम इसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। ये इसेंशियल एलिमेंट टोटल 16 प्रकार के हैं, जो कि 2 कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट को आप क्या कह रहे हैं, मेजर एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट को आप लोग क्या कह रहे हैं, ट्रेस एलिमेंट्स। मैक्रो संख्या में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और पौधे को इनकी ज़्यादा आवश्यकता ये आप लोगों को देखने को मिलती है। कौन कौन से तत्व शामिल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन। इसी तरह से आप लोग कह रहे हैं माइक्रो एलिमेंट्स संख्या में कम होते हैं, पौधे को थोड़ी इनकी तुलना में कम आवश्यकता होती है। और ये एलिमेंट्स कौन से हैं आप लोग देख रहे हैं, बोरोन मैग्नीज जिंक कॉपर मोलिब्डेनम और क्लोरीन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वहीं आप लोग देखेंगे कि नॉन इसेंशियल एलिमेंट जो कि प्लांट की लाइफ के लिए और वृद्धि के लिए इतने ज़्यादा आवश्यक नहीं होते हैं, और अभी तक आप लोग देखेंगे कि मोस्टली 92 प्रकार के नॉन इसेंशियल एलिमेंट की खोज जो है वो हो चुकी है। तो ये सारा का सारा आपको इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, नॉन इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, वो सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि आप प्लांट की आस का या पादप भस्म का एनालिसिस करते हैं तो उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है, यहीं पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, बेनिफिशियल एलिमेंट्स, लाभदायक तत्व जो हैं वो कौन से होते हैं। लाभदायक तत्व का मतलब ये होगा कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पादप के जीवन चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन वृद्धि के लिए थोड़े से हेल्पफुल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ये है आपका सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, सोडियम है और गैलियम है। ये सारे के सारे आप लोगों के बेनिफिशियल एलिमेंट्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है,
मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर आप लोगों को कौन से एलिमेंट्स खनिज तत्व के रूप में मिल रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से कैटेगराइज कर रहे हैं, वो सारा का ध्यान रखना है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने की भी संभावना है कि भाई मैक्रो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, ये सारा का सारा आपको एक प्रीलिम नॉलेज के रूप में ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसके आगे का मैटर जो है उसकी बात करते हैं अपन। अभी आपने देखा कि खनिज तत्व जो है वो मैक्रो या माइक्रो एलिमेंट्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और ये जो खनिज तत्व होते हैं वो प्लांट की लाइफ जो होती है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। इनकी कमी या अधिकता के लक्षण जो हैं वो प्लांट पर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके ये जो मिनरल एलिमेंट्स है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका क्या प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स या साल्ट्स, इसके अंदर आप लोग सबसे पहले बात करें CHO, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप लोग देखते हैं कि CHO, जिसमें आप लोगों को पता है कि कार्बन को पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं, वातावरण में जो CO2 मौजूद है उसके थ्रू प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पौधे कैसे प्राप्त करते हैं कि वातावरण के अंदर जो आपका जल है उससे प्राप्त किया जाता है। अब ये जो CHO है ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म का मेन कंटेंट है, यानी प्रोटोप्लाज्म का मुख्य घटक जो है उसके रूप में आप लोगों को CHO देखने को मिलता है। अब CHO से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, वसा बन रही है, न्यूक्लिक एसिड बन रहे हैं, उन सब के अंदर आप लोगों को मोस्टली इनका इंपॉर्टेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो प्रोटोप्लाज्म का मेन कंटेंट होता है, किस रूप में प्राप्त किया जाता है, ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब CHO के बाद में हम लोग बात करें नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है, आप लोग देखेंगे या तो इसको NO2, NO3 या NH4, या आप लोग कहें किस रूप में पौधे इसको प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करने का काम करते हैं। और नाइट्रोजन जो होती है आप लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो आपका फाइटोक्रोम के अंदर या क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर आप लोग देखें उसके अंदर, या फाइटोक्रोम सिस्टम के अंदर, या फिर आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड के अंदर इनका विशेष इम्पोर्टेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और नाइट्रोजन की अगर प्लांट के अंदर कमी आ जाती है तो आप लोग देखेंगे कि इसके कुछ लक्षण जो है वो प्लांट पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या लक्षण होते हैं, आप लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्ती जो है वो पीली पड़ने लग जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरोफिल जो होता है उसका विघटन होता है, और क्लोरोफिल का विघटन होने से एंथोसाइनिन सब्सटेंस जो है वो भी मोस्टली बन जाता है। और एंथोसाइनिन के बनने से कई बार आपको प्लांट की, सॉरी लीफ की जो मिडरिब होती है, मिडरिब की हम लोग बात करें तो ये मध्य सिरा ये वाला भाग, ये कई बार आपको रेड देखने को मिलता है, या कई बार यहाँ पर लाल कलर के धब्बे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो वहाँ उसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की कमी है, एंथोसाइनिन का निर्माण हो रहा है, वो सारा का सारा देखने को मिलता है। या नाइट्रोजन की कमी से आपने कहा कि पौधे की पत्ती पीली पड़ रही है, तो इस रोग को हम लोग क्या कह देते हैं, क्लोरोसिस जो है वो हो जाता है, पौधे के अंदर क्लोरोसिस रोग जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन की कमी से पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि भी रुक जाती है, और पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है इसका मतलब ये होगा कि पौधे का जो मेन तना जो होता है वो पतला और कमज़ोर जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो ये भी सारा का सारा आपको नाइट्रोजन का जो इफ़ेक्ट जो होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब नाइट्रोजन के बाद में आप लोगों को बात
करनी है फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं प्लांट? फॉस्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, और फॉस्फेट आयन के रूप में ग्रहण करने के बाद में आप लोग देखेंगे कि इसकी कमी का भी इफेक्ट आप लोगों को प्लांट पर देखने को मिलता है। किस रूप में देखने को मिलेगा? आप लोग देखेंगे कि फॉस्फोरस की कमी आने से प्लांट के अंदर, प्लांट के जो पार्ट हैं, आपके जो लीव्स हैं या फिर उनके जो फ्रूट वगैरह हैं, उनके अंदर आप लोगों को नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जो आपका प्लांट पैथोलॉजी था उसके अंदर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब ये होता है कि उत्तक जो होते हैं उनका क्षय होने लगता है, टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। किसकी कमी के कारण से? फॉस्फोरस की कमी के कारण से आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि फॉस्फोरस के कारण आपका जो प्लांट है उसके अंदर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो भी सारी की सारी कम हो जाती है। ये सारा का सारा आपको फॉस्फोरस की कमी से देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पोटेशियम, प्लांट इसे किस रूप में ग्रहण करेंगे? पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करेंगे। और ये पोटेशियम प्लांट के अंदर क्या काम करता है? आपने पढ़ा है, स्टोमेटल मूवमेंट पढ़ी है, स्टोमेटा के बारे में पढ़ी है, तो आपने कहा है कि पोटेशियम क्या करता है? स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करता है। आपने कहा कि पोटेशियम आयन जो है वो एक्सचेंज होता है एच प्लस आयन के साथ में, तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? पोटेशियम आयन पर डिपेंड करता है। तो अगर पोटेशियम आयन की कमी आ रही है तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होना, स्टोमेटल मूवमेंट जो है वो आपको नहीं देखने को मिलती है। ये सारा का सारा आप लोगों को काम देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि अगर पोटेशियम की कमी आप लोगों को प्लांट में और भी देखने को मिल रही है, तो जो लीफ होती है इस लीफ के किनारे जो हैं वो आपको झुलसे हुए देखने को मिलते हैं, और हो सकता है कि पौधे की लीफ जो है उसके अंदर क्रूलिंग हो जाती है, यानी कि पत्ती जो है वो मुड़कर सिमटी हुई आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है? फॉस्फोरस की कमी को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से आपको जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं उनके कमी के, अधिकता के, या फिर उनकी प्रेजेंस के कुछ ना कुछ लक्षण जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर आप लोगों को दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मिनरल न्यूट्रिएंट कौन कौन से थे। आपने कहा इसेंशियल एलिमेंट्स थे, नॉन इसेंशियल एलिमेंट है, उनके अंदर मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट थे, उनका क्या कुछ प्रभाव आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो इन प्रभाव से लेकर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो मोस्टली बनाया जाता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने पढ़ा है, और आगे हम लोग बात करेंगे कि इस न्यूट्रिएंट से किस तरह से कल्चर किया जाता है, कल्चर के क्या कुछ मेथड होते हैं, या किस प्रकार से इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।